इंडियन स्पाइडरमैन 3D में अटैक कर दिया गया है एक स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन इतना बड़ा जायंट स्पाइडरमैन कैसे बना, और जायंट स्पाइडर बना तो किसने बनाया, और जायंट स्पाइडरमैन बन के मेरे शहर में क्यों अटैक किया, अब शहर को बचाया कौन। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइस एक खास आज मेहमान आने वाला है, मेरे दोस्त प्यारा स्पाइडरमैन। तो गाइस इसके लिए हम कार पार कर लेते हैं, उसके बाद घर थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आया है तो गंदा थोड़े छोड़ेंगे। तो आ चुका है अपने घर एक स्पाइडरमैन, जैसे कि देखते हैं भाई साहब ये काफ़ी प्यारा दोस्त है, ये आज का दोस्त नहीं है बहुत सालों पहले का, क्योंकि इंडियन बैक्टेरिया और फ्रैंकिन काफ़ी जिगरी दोस्त था स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन का पूरा तबीयत खराब है, उसको बोल दिया हम एक डॉक्टर के पास, स्पाइडरमैन जाने वाला है डॉक्टर पास क्योंकि स्पाइडर का पूरा हालत ही खराब हो चुका है। तो देखते हैं चलो भाई जाके। अरे ये धरती क्यों गिर रहा गाइस भाई, अरे भाई साहब इतना बड़ा स्पाइडरमैन कैसे बन चुका है ये भाई साहब, और हमें देखा भी तक नहीं, और ये कहाँ जा रहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना बड़ा स्पाइडरमैन कैसा बन चुका है भाई, जॉइंट स्पाइडरमैन मेरे दोस्त। तो गाइस अभी जल्द जल्द जाना पड़ेगा डॉक्टर पास, क्योंकि स्पाइडरमैन को भेजे थे डॉक्टर पास, पता नहीं डॉक्टर इसको कौन सा इंजेक्शन दे दिया, जाके हमें देखना पड़ेगा गाइस। तो अपना डिफेंडर निकाल के यहाँ जल्द से जल्द जाना पड़ेगा भाई, ये क्या चल रहा है अपना शहर में यार, कौन डॉक्टर मेरे दोस्त को स्पाइडरमैन बना, जॉइंट स्पाइडरमैन बना दिया। तो गाइस जाके देखना पड़ेगा यार, हम वो तो डॉक्टर सही ठीक करता लेकिन हमें पता नहीं वो कैसे बन चुका है, और वो आया था मेरे घर तो नॉर्मल इंसान था लेकिन यार इतना ज़्यादा हाई लेवल का कैसे जॉइंट बन गया। तो गाइस जाके देखना ही पड़ेगा भाई, हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो गाइस यहाँ से जाके देखना पड़ेगा क्या चला, नहीं तो ये अपना ओल्ड हाउस के पास में ही रहता है तो जाके इससे पूछते हैं क्या करा नहीं किया भाई साहब, ये तो कार एक्सीडेंट बहुत हो रहा है ना। तो गाइस यहाँ पार करके यहाँ जाके देखते हैं भाई साहब कहाँ गए डॉक्टर, हेलो भाई साहब है वो यहाँ की नहीं यार, भाई साहब हम इससे पूछे कि आप देखा एक बड़ा सा स्पाइडरमैन जॉइंट स्पाइडरमैन क्या उसे तुमने क्या किया उसके साथ, वो बोला कि हम उसको कुछ नहीं किए, उसके तुम जहाँ भेजा था मेरे पास उसको बोले थे कि एक इंजेक्शन देंगे जो कि तुम पूरा ज़्यादा से ठीक हो जाओगे या पूरा ज़्यादा से ख़राब हो जाओगे। तो बिना सोचे हुए समझे स्पाइडरमैन क्या कहा कि तुम हमें दो, हमें जो होगा वो हम समझ लेंगे, तो अपना इंजेक्शन हम निकाल के दिए उसको, वो भाई साहब वो लगा लिया, लगाने के बाद वो एकदम से जॉइंट बनने वाला था। तो भाई जैसे कि एकदम से जॉइंट बन गया, और जॉइंट बन के डॉक्टर हम जो है ना डॉक्टर कुछ नहीं बोला, डॉक्टर वहाँ से भाग गया क्योंकि स्पाइडरमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, डॉक्टर यहाँ से निकल गया था। तो गाइस जाके अपना बुरी शक्ति इस्तेमाल करने लगा, पूरा शहर को ही तबाह करने लगा, सीधे सीधे पूरा जॉइंट स्पाइडरमैन बन के पूरा शहर को ही तबाह कर रहा था भाई साहब, बुरी शक्ति अपना गलत शक्ति यूज कर रहा था, सीधे कितना बड़ी बड़ी बिंडी इजिली तोड़ रहा है। तो स्पाइडरमैन बोला कि हम इसको एक भी शहर में जिंदा नहीं बचने देंगे, तो डॉक्टर बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसका उपाय है, हमने पूछा कि इसका कोई उपाय तो होगा, इसने बोला हाँ उपाय है तुम्हें एक चीता को खून लाना है, खून और हड्डी बस उसी दवा है और एक इंजेक्शन, तो चलो इसको लाते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इसने बोला कि जल्द ही लाना है बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही कम है, तो बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे पास भी टाइम नहीं है, हमें चीता का मतलब एक नहीं एक चील का नहीं सॉरी गाइस चील का हमें एक लाना है खून और साथ में उसका हड्डी। तो भाई साहब चलते हैं अपना रेम चैलेंज के जस्ट साइड में रहता है चीटा, तो हमने वहीं पर देखा था, तो यार चलते हैं बिना टाइम वेस्ट कर दो। अगर चैनल पर न्यू आए तो वीडियो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो बिना टाइम वेस्ट कर दो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार सा वीडियो अपलोड डेली होते रहता है। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए गाइस। सो गाइस वो साइड पीछे था ना, साइड से पीछे था, चलो ये रहा, चलो नहीं नहीं इसके आगे और जाना पड़ेगा, हल्का थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा क्योंकि तभी मेरे पास कुछ है ऑप्शन, नहीं तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा अपना रैंप, इससे एकदम से स्लो मौसम से जाएंगे, एकदम धीरे धीरे जाएंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए गाइस। तो गाइस यहाँ से एकदम धीरे धीरे जाएंगे, तो भाई ये मारा जंप भाई, गिरना मत डिपेंडर, बस तुम यहाँ तक साथ दे देना, बस यहाँ से काम इजीली हो जाएगा, तो समझ लो ना बस यहाँ तक तुम साथ दे देना, बस ये हमारा लैसा। अब यहाँ से जहाँ गिरे तो मेरे डिफेंडर का इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया कि दोबारा रैंप पे भी चढ़ने का हालत नहीं बचेगा। तो गाइस इसको बिल्कुल ही धीरे धीरे जाएंगे बिना टाइम वेस्ट करते, एकदम से स्लो मौसम की तरह जाएंगे, इसको कुछ भी नहीं होने देंगे, तो धीरे धीरे से लेफ्ट एंड राइट काटते हैं तभी होगा। तो भाई साहब ये जो रैंप है ना काफ़ी ख़तरनाक रैंप है, बाइक से बिल्कुल नहीं होगा, बोला कि तुम कार से जाओ क्योंकि कार में तुम्हें मतलब चील भी आ जाएगा, जॉइंट चील भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा।
तो गाइस चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यार क्या लफजा लग चुका है, बस धीरे भाई पीछे रटार गया गया लसका भाई साहब। और राइट गाइस, डिफेंडर तो लसक गया है, इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ने वाला है। तो इसको निकाले कैसे यार, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इसको निकाले तो निकाले कैसे, क्या करे यार। चलो इसको निकालते हैं भाई, पूरा ज़्यादा गलती। तो भाई साहब हमने दूसरा डिफेंडर लाया था घर से, तो बड़ा देखे से को डिफेंडर फंसा है, लेकिन इसको अभी फंसाने बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम से स्लो मौसम से तरह जाएंगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होने देंगे, समझ लो ना भाई। ये मरा भाई काफ़ी स्पेस छोटा बड़ा है ना, स्पेस उतना है नहीं, तो इसलिए हमको स्लो मौसम से जाना पड़ेगा बिल्कुल ही धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से जाएंगे तो मेरा डिफेंडर गिरने का चांस भी आ जाएगा। हमने क्या सोचा कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हम धीरे धीरे ही ले जाएंगे और अपना चील को खून हड्डी ले जाएंगे, तभी मेरा काम होगा, नहीं तो भाई एकदम सी काम नहीं हो पाएगा। तो गाइस चलते हैं यार, ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है यार। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम से सुलभ मौसम तेरा लेके जाएंगे भाई। चलो और राइट गाइस, हमें ये मिल चुका है चील मिल चुका है, इसको मारते हैं भाई। मर 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 भाई मर, अरे अरे अटैक कर जा, फ्रेंकी फ्रेंकी मार मार इसको, मार मार भाई मार। चलो इसको मार डाला, इसको पूरा बढ़िया से मारो कि जिंदा वापस हो ना पाए, तो इसको मारो बढ़िया से। चलो इसको अपना डिफेंडर में डिक्की मरा के इसको लेके चलते हैं डॉक्टर पास। तो गाइस चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। गाइस चैनल पे न्यू आए हो तो भाई लोग एक सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार सा वीडियो डेली अपलोड होते रहता है, तो समझ रहे हो ना। तो गाइस चलते हैं भाई, यार चील को मार दिए भाई, जिंदा नहीं होगा, जिंदा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो लीजिए डॉक्टर, और इसने बोला कि ये अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तुम जा एक कैप्सूल ला जो कि शोरूम का सबसे ऊपर फ्लोर पे है, जाके उसको खा लो, उसके बाद तुम भी बन जाएगा एक जायंट फ्रेंकलिन, तुम भी बन जाओगे। तो जाओ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, आप चलते हैं अपना शोरूम के अंदर भाई। वहाँ तो भी कार डिफेंडर चलाना है शोरूम के ऊपर भाई, हमको लगता है चढ़ जाएगी, इतना ताकत तो है इसके पास, डिफेंडर तो इतना इजीली ताकत तो है, तो देखते एक बार चला के हो पाएगा कि नहीं। शोरूम बुला बुला ही एक भी हमारा दीवार में स्क्रेच नहीं आने का, नहीं तो ये कैप्सूल फेंक देंगे बाहर। तो भाई ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो चुकी है यार, देखते हैं यार चल पाती है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। मेरे तो साथ दे देगी डिफेंडर, देखते हैं एक बार क्या होता है भाई। एकदम तो आने देंगे नहीं भाई साहब, एकदम स्लो स्लो से चलाएंगे, मेरा डिफेंडर तो इजीली चढ़ जाएगा, क्या लगता है चढ़ता कि नहीं, एक बार देख लेते हैं भाई। चलो चलो लेफ्ट लेफ्ट गाइस, यार डिफेंडर लेफ्ट ले नहीं तो चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार आगे करते हैं भाई। टायर स्लिप मार रहा है यार, टायर एकदम से स्लिप ही मार रहा है भाई, क्या बताए यार कैसे होगा, चलिए देखते हैं भाई। यार एक टायर नीचे गया, एक टायर से चल रहा है, एक टायर से चला। चलो बैक ले फ्रेंकी, चलो आगे कर। चलो हो गया, तो आप चलते हैं इसको आगे लेके। तो ऑलराइड गाइस हो तो गया, अब अपना कैप्सूल तैयार है बनके। तो ऑलराइड गाइस अब कैप्सूल इसको खा लेते हैं। तो ये रहा अपना कैप्सूल, पहले गाइस ये रहा अपना कैप्सूल, इसको लेके निकलते हैं यार। तो इसको अभी जाके एकदम स्पेस जगह पर खाएंगे, क्योंकि भाई साहब बहुत जायंट बन जाएंगे ना। तो गाइस ये रहा, अब इसको कैप्सूल खा लिए भाई, इतना बड़ा हो गया यार भाई साहब, इतना बड़ा फ्रेंकलिन हो चुका है भाई, एकदम से जायंट बन चुका है, और इसका ताकत लाखों गुना बढ़ चुका है, समझ रहे हो ना। तो गाइस इसको यहाँ से अभी चलते हैं, अब तुम स्पाइडरमैन बचेगा नहीं मेरे यहाँ से। गाइस अभी टक्कर होने वाला है जायंट फ्रेंकलिन वर्सेस जायंट स्पाइडरमैन। फ्रेंकलिन तो मारना नहीं चाहता है, लेकिन क्या मजबूरी में इसको मारेंगे। तो ये ले भाई, ये तो मार डाला हमको। चलो अब इसके हम मेरी बारी, तो इसको मारेंगे ढेरी कर देंगे ना। अरे भाई साहब ये हमको मार रहा है, रुको अब मेरी ताकत तुम देखो, मेरी कितना खतरनाक ताकत है, अब तुम मेरे यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाला। बस एक ही फैट पे ये नीचे गिर गया, अभी उठेगा ढेर नहीं भाई साहब। मैं भी एक छोटा बन चुका हूँ, अब इसको भी छोटा बनाता हूँ भाई साहब। तुम मेरे यहाँ से तो बचने नहीं पाए, तो इसको अब कैप्सूल निकालते हैं इसे मुँह से। चलो भाई साहब इसको भी अब छोटा बना के, अब इसको भी मैं सब चीज़ आदाज बुला दूंगा ना। तो ये बन चुका है जायंट, खाली सिंपल सा स्पाइडरमैन और सिंपल सा फ्रेंकलिन बन चुका है। चलते इसको अब भाई साहब, स्पाइडरमैन मेरे यार इस शहर में इतनी तबाही मचा, तुमको पता है भाई साहब, स्पाइडरमैन को बिल्कुल ही कुछ भी पता ही नहीं चला भाई।